सीएम रावत ने विकास कार्यों को गति देने के लिए राहत दी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को दिए गए हैं 1-1 करोड़ रुपए। आपको बता दें, विधायक निधि को स्वीकृत कर ये पैसे दिए गए हैं। इस निधि से विधायकों को विकास कार्य करने में मदद मिलेगी, ये बात सीएम ने कही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब विकास के मुद्दे पर प्रदेश में सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम रावत ने विकास कार्यों को गति देने के लिए राहत दी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। धनराशि स्वीकृत कर इन सभी विधायक निधि में ये पैसे जो है दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विकास का नया एक रोल मॉडल जो है वो अब उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 1-1 करोड़ रुपए सभी विधायकों को दिए गए हैं ताकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कर सके, तो क्या ऐसे में माना जाए कि अब जो है सरकार चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव बेहद नजदीक है उत्तराखंड में, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेर रही है, तो वहीं सरकार भी अपनी कमर पूरी तरीके से कस रही है। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को सम्मिलित करते हुए पक्ष विपक्ष के सभी 71 विधायकों को 1-1 करोड़ की धनराशि विकास कार्यों के लिए अवमुक्त कर दी है। और ये सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक अपने खर्चे कर सकेंगे। जिस तरह से कोरोना काल के चलते लगभग 22 मार्च से अभी तक पूरी तरह से विकास कार्य ठप हो चुके थे और सरकार का पूरा फोकस सिर्फ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पर था, और सभी जरूरी मदों को रोकते हुए पूरा पैसा बजट जो डाइवर्ट किया गया था वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ किया गया था। लेकिन अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो ऐसे में सरकार ने भी विकास कार्यों की सुध ली है और सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1-1 करोड़ की धनराशि यहां पर अवमुक्त कर दी गई है, जिसमें पक्ष विपक्ष के सभी विधायक शामिल होंगे। और सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को अंजाम दे सके। हालांकि आम चुनाव की अगर बात की जाए तो 2022 के शुरुआत में यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर अब 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है, तो ऐसे में सरकार की भी कोशिश होगी कि सभी को साधते हुए जनता के बीच में जाया जा सके और विकास कार्यों को बेहतर अंजाम देने के लिए 1-1 करोड़ की द्वितीय किस्त जो है विधायक निधि की वो जारी कर चुकी है। साल 2020-21 के लिए विधायक निधि की द्वितीय किस्त जारी की गई है। उम्मीद की जा रही है कि जिसके चलते आने वाले समय में अब तेजी से विकास कार्य होंगे और जो कोरोना काल में लगभग 6 महीने का जो एक इसमें गैप आया है विकास कार्यों में, वो भी अब रफ्तार पकड़ेगा। जी अजीत, वहीं आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि सभी विधायकों को ये 1-1 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं, तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टी के विधायक हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर? बिल्कुल अभिषेक, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष सरकार के हर फैसले पर उंगली उठाने का काम करता है और तमाम तरह के आरोप भी लगाता है। लेकिन देर शाम को सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है कि 1-1 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो सभी 70 विधायकों को जारी होगी। इसमें चाहे फिर वो पक्ष का विधायक हो चाहे फिर विपक्ष का विधायक हो। हालांकि अभी विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया गया है, लेकिन अब जब विधानसभा सत्र होना है, कल से आधा जो यहां पर विधानसभा सत्र शुरू होगा, तो उससे पहले विधायकों का क्या कुछ नजरिया होगा विधायक निधि को लेकर, इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल 1-1 करोड़ की धनराशि पक्ष विपक्ष सभी विधायकों के लिए जारी की गई है, तो उम्मीद है कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से होंगे और चाहे इसमें विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र हो उसमें भी विकास कार्य को अंजाम दिया जाएगा। और पक्ष तो तमाम तरह की सरकारी योजनाओं को अपने विधानसभा क्षेत्रों में लेकर जा ही रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में तेजी से विकास कार्य होंगे। जी अजीत, तेजी से विकास जो है अब उत्तराखंड में होंगे।